तो हेडलाइट खोलने के लिए इधर में एलेंकी रहता है आपका, 6 नंबर एलेंकी। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल द वाइल्ड स्टैलियन राइडर। तो उस दिन आप लोग देखे थे मैंने चार्जर फिट किया था मगर आप लोगों को वायरिंग का सिस्टम नहीं दिखाया, तो आज मैं आपको वायरिंग का डिटेल्स वीडियो दिखाऊंगा। तो कैसे कैसे मैं करता हूँ आप लोग देखिए, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स तो चार्जर का वायरिंग के लिए पहले हम लोग को हेडलाइट खोलना पड़ेगा। तो हेडलाइट खोलने के लिए इधर में एलेंकी रहता है आपका, 6 नंबर एलेंकी। तो इसी एलेंकी से मैं हेडलाइट फर्स्ट खोलूँगा, फिर अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इस सामने का डैशबोर्ड भी खोलना पड़ेगा। तो ठीक है चलिए। तो ये अपना हेडलाइट चला बाहर, तो इधर में इसका कनेक्शन रहता है और इधर में आपका एक स्विच टाइप का रहता है, देखिए। तो इसको सिंपली ऊपर का तरह खींचने से ये निकल जाता है। तो इसे हम साइड में रखेंगे। फ्रेंड्स हेडलाइट खोलने के बाद आप लोगों को ये जो पोर्शन है, ये दो नट इधर दिखाओ, ये एक नट और वो साइड में ये वाला नट, ये दोनों नट खोल के इसको बाहर लाना पड़ेगा। तो चलिए खोलते हैं। तू इसका सेल्फ ठीक क्यों नहीं करता? तो गाइस देख सकते हैं आप, लेफ्ट साइड का नट खुल गया, राइट साइड का खोल रहा है। तो इसको ऐसे बेंड करके ऐसे निकल आएगा। तो इसे भी साइड में रख देते हैं अभी। तो अभी मेन काम में आ गया। तो इसके लिए इधर में जिप टाई लगा हुआ है, ये जिप टाई सब हमको काटना पड़ेगा, काट के फिर अंदर का वायरिंग का काम शुरू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो इस कनेक्शन के लिए हम लोग को 3 कनेक्शन बनाना पड़ता है, एक प्लस, एक माइनस और एक बॉडी। तो ये देखिए, इस चार्जर का ये वाला प्लस और ये ब्लैक वाला हो गया माइनस। ये ब्लैक वाला को हम लोग को बॉडी करना पड़ेगा और इसको इग्निशन स्विच के साथ डालना पड़ेगा। और सेफ्टी के लिए मैंने ये भी स्विच लगा के रखा है, ये स्विच का भी ये दो वायर है, ये दो वायर। तो इसके इससे भी हम लोग कनेक्ट करेंगे। ये जो मैंने वायर को बॉडी किया वो इधर से किया मैंने, इधर में आपका जो डिस्क ब्रेक का जो वायर जाता है
इधर में एक नट है, उस नट के साथ मैंने ये येलो वायर को बॉडी करके रखा है। तो इसको हम लोग एक ये वाला जो स्विच है, इस स्विच का कोई भी एक वायर से जॉइंट करेंगे। पहले चेक कर लेते हैं, दूसरा वायर जो है आपका चार्जर का, जो प्लस कोई भी चलता है, उसको हम लोग ये स्विच का जो दूसरा वायर है उसका साथ जॉइंट करेंगे। और रहा ये तीसरा जो चार्जर का जो पॉजिटिव वायर है, उसको हम ये वाला जो है इससे आपका विदाउट इग्निशन भी, ये जो सीधा वाला है इसमें आप अगर डालेंगे तो विदाउट इग्निशन भी और डायरेक्ट जलते रहेगा बैटरी से, और ये आपका इग्निशन है जिससे आप अगर इग्निशन देंगे तभी जलेगा और अगर इग्निशन नहीं देंगे तो नहीं जलेगा। तो हम लोग इसी वायर से कनेक्ट करेंगे। ये तार जो है इसको थोड़ा लंबा करके हम लोग छील के आपका सिंपली इसका अंदर ऐसे डाल के बाकी जो वायर है उसको ऐसे नीचे का तरफ रख के ये सॉकेट को हम लोग बंद करेंगे। बंद करने का बाद एक बार हम लोग चेक कर लेगा। इधर देखिए, इग्निशन ऑन हो गया मेरा। अभी ये वाला जो मेरा एक्सटर्नल स्विच है बेटर सेफ्टी के लिए, इसे मैं ऑन करूँगा और फिर इसको ऑन करूँगा। देखिए लाइट आ गया। इधर से भी ये ऑफ ऑन होगा, मगर इसका जो है ये जो पोर्शन है लाइटर पोर्शन क्या होता है, लाइटर पोर्शन का स्विच नहीं है। मेनली ये जो स्विच मैंने लगाया ये लाइटर के लिए ही मैंने लगाया, साथ में यूएसबी भी काम करेगा। तो अगर मैं ये स्विच नहीं लगाता तो सिर्फ यही ऑफ ऑन होता, ये एनी टाइम ऑन रहता। तो अभी जब मैंने ये स्विच भी इसमें इंस्टॉल कर दिया इसका साथ, तो एक दोनों ही कट हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, ये इधर में ऑन है, कोई लाइट नहीं आ रहा है, ऑन कर दिया लाइट आया। अभी इधर में भी कनेक्शन है। अगर मैं ये ऑफ कर दिया, इसमें कनेक्शन नहीं रहेगा बट इसमें कनेक्शन रहेगा, मतलब आपका बैटरी में थोड़ा होने से भी आपका जो है वो पावर जाते रहेगा। मगर ये देखिए मैं ऑन कर दिया अभी, मगर इसको आप जब ऑफ करेंगे तब देखिए लाइट नहीं जल रहा है, मतलब इसमें भी कनेक्शन नहीं है। तो देखिए इसको ऑन कर दिया, कनेक्शन आ गया, ऑफ कर दिया, कनेक्शन चला गया। तो ऐसे ही आप इंस्टॉल कर सकते हैं आपका बाइक में चार्जर, और वो भी बैटरी को नुकसान ना करते हुए, विदाउट हैम्परिंग द बैटरी आप अपना बाइक में खुद चार्जर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी मैं थोड़ा फिनिशिंग का काम करता हूँ, उसका बाद जो फिनिशिंग रिजल्ट आएगा और चार्ज करके भी आप लोगों को दिखाया जाएगा। तो इसे तो मैंने ऐसे फिट कर दिया, अभी सेफ्टी के लिए, फॉर जस्ट सेफ्टी, पानी हो गया, बारिश हो गया, ये सब के लिए सेफ्टी के लिए इधर में हम लोग ये टेप मारेंगे ताकि ये खुल ना जाए, छूट ना जाए। नहीं मारने से भी चलता है बट मैं मारता हूं
क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। तो ये मेरा हो गया, सो इसे देखिए इसे मैं बढ़िया से पैकिंग कर दिया, तो अभी इधर में पानी जाने का भी उतना चांस नहीं है। फिर भी मैं ये जो गैप है इस गैप में भी एक राउंड टेप मार दूंगा ताकि ये सील हो जाए। ये देखिए फुल प्रोटेक्शन हो गया, कोई पानी जाने का चांस नहीं। तो इसे अभी हम लोग फिटिंग करते हैं। मेरा जो दोनों टायर जॉइंट तार जॉइंट करने का सिस्टम है वो ऐसे होता है, देखिए इसे क्रॉस कर देगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये देखिए अभी इसे फोल्ड कर दीजिए, ये कभी भी नहीं खुलेगा। देखिए ऐसा हो गया, अभी इसमें सिंपल टेप मार दीजिए, ये कभी भी नहीं खुलेगा। तो अभी एक ऐसे जिप टाई लेके इसको हम लोग बांध देंगे। तो वायरिंग का काम तो कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम लोग फिर से बाइक को फिटिंग करेंगे। तो देखिए कैसे फिटिंग होता है, उसके बाद मैं चार्जिंग करके दिखाऊंगा अपना फ़ोन। तो गाइस आप देख सकते हैं फिटिंग कर रहा है अभी। ऐसे ही फिटिंग्स हो जाता है। घर में भी लगाएगा। और एक चीज, जब आप खोलिएगा तो इधर का जो एडजस्टमेंट वो जरूर देखिए। जैसे मेरा जो एडजस्टमेंट है ऐसे था, एडजस्टमेंट करके इसको टाइट कर देना है। ये मेरा एडजस्टमेंट था। तो ये देखिए हेडलाइट भी फिटिंग हो गया और आपका इधर डैश भी, और ये रहा चार्जर। ठीक है फ्रेंड्स, अभी चार्जिंग करके दिखाते हैं आप लोगों को, फिर वीडियो कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स ये हो गया इग्निशन ऑन, और ये इधर का जो स्विच ऑन
ये देखिए हो रहा है, तो ये देखिए चार्जिंग हो रहा है। और एक भी चीज़ आप लोगों को मैं करके दिखाऊंगा। तो ये है मेरा टायर में हवा देने का मशीन, जिसमें एक यूनिट रहता है, इसे आपको इधर में लगा के टायर में टायर का प्रेशर भराना पड़ता है। तो ये देखिए इसे भी मैं लगा के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मोबाइल भी चार्ज हो रहा है, स्विच देने से आपका मोबाइल चार्ज होता है और इसे ऑफ करने से आपका मोबाइल चार्जिंग जो है बंद हो गया। बट इधर का स्विच जब आप बंद करेंगे तो इसका जो पावर है वो बंद होता है, मगर इसका बंद नहीं होता है। देखिए फिर भी ये चल रहा है, और इसको जब आप ऑफ कर देंगे तब ये दोनों से जो करंट है वो ऑफ हो जाएगा। ये देखिए, बट इसे ऑन करके अगर आप इसको ऑन करेंगे तब मोबाइल चार्ज होता रहेगा, और इसको ऑफ कर देने से मोबाइल चार्ज नहीं होगा। बट अगर आप इसे ऑफ करेंगे तो दोनों ऑफ हो जाएगा। तो यही इसीलिए स्विच को दिया हुआ है हम लोग, ताकि और ज़्यादा सेफ रहे। तो यही दिखाना था। आप लोग भी ये घर में कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इजी है, दुकान में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है और पैसा भी बचेगा आप लोगों को। तो छोटा मोटा टूल्स जैसे एलिंग की ये सब होने से हो जाएगा, और बहुत इजी प्रोसेस है। आप लोग एक बार घर पे ट्राई करके देखिए, ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। अगर मैं सका तो आप लोग भी सकेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।